और आज हमारे इस प्रांगण में बैठने का पांचवा दिन है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं आया। हमने लास्ट में एक ऑप्शन भी दे दिया, बोल दिया गया कि सर हम लोग सब तैयार हैं रिजाइन देने के लिए, बस क्या करें आप अपना हमारा कमीशन रिलीज कर दें। जो आज जितना साल 24 साल 25 साल 15 साल 10 साल जितने भी हम लोगों ने काम किया है उतने का पीएफ जो भी बना होगा या जो कमीशन बना होगा वो हमको रिटर्न कर दे और हम कंपनी को छोड़ देंगे। हमारे पर्सनल भुगतान जो हमारा खुद का जो पैसा हमने इस कंपनी में जमा किया है उसका भुगतान खाली एक कर दे। मेंबर की रिस्पांसिबिलिटी ये बोल रहा है कंपनी की है तो ठीक है वो मेंबर ही समझेगा, लेकिन अपना पर्सनल जो हम लोगों ने पैसा जमा किया है अगर ये भुगतान कर देते हैं तो आज के बाद से ये सारे कार्यक्रम बंद हो जाएंगे। लेकिन हमने ये प्रस्ताव रखा लेकिन ये तैयार नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं आप यहाँ के कार्यकर्ता है ही नहीं, क्योंकि सहारा श्री ने भी लिख के ये लेटर में दे दिया है कि ये कोई कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पे लोग। तो बस शांतिपूर्वक आप यहीं बैठे रहिए। अगर हमें लिखित मिल जाए कि हमारे कमीशन को रिलीज कर दिया जाएगा रिजाइन देने के बाद, हमारे पर्सनल मैच्योरिटी को रिलीज कर दिया जाएगा, भुगतान कस्टमर का छोड़ दीजिए। और हाँ एक वादा और लिखित कि किसी भी जमाकर्ता अगर पहुंचता है ब्रांच पे तो कोई ये ना कहे कि कौन खाता खुलवाया था। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमारे ऊपर से हटा दिया जाए तो हम लोग चुपचाप रिजाइन देकर यहाँ से छोड़ देंगे कंपनी को, भूल जाएंगे कि कहीं हमने काम किया था, ठीक है। लेकिन अभी तक इस पे कोई समाधान नहीं आया है। अगर आ जाता है समाधान तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लाठी उठी खाने से अगर डर लगता है तो प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइएगा। थोड़ी सी हिम्मत अगर बांध लीजिएगा, अगर आप हाथ बांधे हैं ना तो प्रशासन भी आपके ऊपर लाठी नहीं चलाएगा, इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आराम से वेट करिए, वेट एंड वॉच क्या फैसला आता है। जो फैसला आएगा उस पे हम लोग का मान्य होगा, क्या हम लोग का कमीशन, अपना पर्सनल भुगतान, अपना पीएफ। जब तक समाधान नहीं, तब तक आना। हाँ ये जब तक समाधान नहीं मिलता है तब तक हम लोग इसी तरह आके शांतिपूर्वक यही बैठ जाना है, ठीक है। तैयार है ना, लाठी खाने के लिए भी तैयार है ना, ठीक है। आप बोलिए मिलने आए थे, मिलने आए थे तो मंडल प्रमुख के द्वारा प्रशासन। हाँ आज बाप के हैसियत नहीं है, आज इतने लोगों के द्वारा मंडल प्रमुख को ये जब प्रस्ताव रखा गया तो मंडल प्रमुख के द्वारा SPCD गोरखपुर पूरा पुलिस फोर्स बुलाकर हमें धमकी दिया गया था लाठी चार्ज कराने के लिए, लेकिन वो नहीं जान रहे थे। हो सकता है हम लोग भी सहारा के बहुत अब रगड़े हुए कार्यकर्ता हो गए हैं, इतना रगड़ दिए गए हैं, फील्ड में भी रगड़ दिए गए, ऑफिस वाले रगड़ते तो थे ही, फील्ड में ही रगड़ दिए, रोज गाली सुन रहे थे तो उसी का हैबिट बन गया था, इसीलिए हम लोग चुपचाप बैठे रह गए। अब प्रशासन चुपचाप बैक हो गई, प्रशासन यहाँ के जोनल चीफ पूरी तैयारी के साथ रखे थे कि लाठी चार्ज करवा के इन लोगों को यहाँ से भगा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हो सकता है कि हो भी जाए, हम अभी आज प्रेजेंट टाइम में बैठे, हो सकता है हो भी जाए, तो हम लोग ये वीडियो भी तुरंत वायरल भी कर रहे हैं। इसके बाद अगर कोई अप्रिय घटना हमारे साथ घटती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सहारा इंडिया गोरखपुर के जोनल मैनेजर मिस्टर शैलेंद्र किशोर श्रीवास्तव जी का रहेगा। इसमें से किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरीके से कोई भी कैजुअल्टी होती है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के जोनल चीफ साहब का माननीय शैलेंद्र किशोर गोरखपुर का होगा। थैंक यू, धन्यवाद।